Hello my dear viewers, I welcome you again on my channel, and as you can see on the screen we are going to complete the poem The Road Not Taken, which is written by the poet Robert Frost. And this is a poem from Beehive book of 9th class. So in this video we are going to complete the explanation of this poem and the poetic device as well and other difficult words. So let's start. My dear students, the poet Robert Frost is an American poet, and in my point of view he is famous in this world, or we can say he is very much admired for his depictions of the rural life. इन अदर वर्ड्स वी कैन से, बट हम कह सकते हैं कि जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो विश्व में अपनी एक अलग से एक इमेज, उसकी एक पहचान है. और वो किस चीज़ के लिए फेमस हुआ, अगर हम उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, देन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा, मैं कहना चाह रहा था कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी राइटर्स वर्क, अगर आप किसी भी राइटर के, या चाहे वो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, किसी की पोएम पढ़ रहे हो, आप कोई भी किसी लिटरेचर का पार्ट पढ़ रहे हो, बिफोर गोइंग टू दैट वर्क वी शुड नो अबाउट द एज, वो राइटर किस एज का है, उसने किस तरह के सर्कमस्टांसिस को, किस तरह के कंडीशंस को उसने फेस किया लाइफ में. और यू विल श्योरली फाइंड दैट, आप इस चीज़ को ज़रूर पाओगे कि उसका इफेक्ट, उस एज का इफेक्ट उस राइटर के, पर्टिकुलर राइटर के वर्क पे श्योरली मिलने वाला है. तो हम लोग जिस पोइट को अभी, जिस किसकी पोएम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इनफैक्ट उसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया. और अगर आप ये देखें कि उसके बायोग्राफी को चेक करें, उसका जो जब अमेरिका में उसका जन्म हुआ 1874 के अंदर, तो कहते हैं कि जस्ट 9 to 10 ईयर्स की एज ही थी, अबाउट लगभग इतनी थी, एज इन अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, लाइक श्योर नहीं हूँ वैसे, यही नहीं कि उसके बॉयहुड के अंदर, बचपन में जब छोटा बच्चा था, या उसकी एज लगभग इतनी ही थी. ही वॉज नॉट सो मैच्योर एट दैट टाइम, ही वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड फेस एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी कैन से. तो उस एज के अंदर उसके फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए, जो एक जर्नलिस्ट थे. और उसके बाद कहते हैं कि उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, और उसने स्कूल टाइम से ही, जब वो स्कूल में जाता था उसी टाइम से ही उसने पोइट्री को काफ़ी लाइक किया, पसंद किया, उसका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर था. और इसीलिए कहते हैं कि जब उसने इस चीज़ को चूज़ किया, इस प्रोफेशन को उसने चूज़ किया, क्योंकि ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं द रोड नॉट टेकन, ये पर्टिकुलरली ये देखें कि पोइट के भी से देखें तो उसकी लाइफ पे भी सेट बैठती है. उसका एक फ्रेंड था एडवर्ड थॉमस, हु सजेस्टेड हिम टू राइट दिस पोएम. ऑल्सो अगर उसकी लाइफ को चेक करें तो आप पाएंगे कि उसकी लाइफ पे भी ये सेट कर बैठती, क्योंकि उसने भी एक ऐसा डिसीजन लिया था कि उसने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे उसने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अपने आप को एनलिस्ट किया था, और उस पर वो उसके उसने अपने दो जो इंपॉर्टेंट ईयर्स थे वो उसमें उसने वेस्ट कर दिए. तो वी कैन से कि ये अगर आप चेक करो कि आपकी खुद की, अगर किसी भी सराउंडिंग में किसी आदमी को अपनी खुद की लाइफ को चेक करें, एवरी पर्सन हैज़ फेस्ड दैट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी कैन से. ऐसी हालत हर आदमी की लाइफ में आती है, ही और शी हैज़ टू मेड डिफिकल्ट चॉइस इन हीज और हर लाइफ. तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पोएम है बहुत फेवरेट रहने वाली, आप सभी को बहुत पसंद आएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलो हम बेटा इसको शुरू करते हैं जल्दी से. जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने बताया आपसे कि एक अमेरिकन पोएट है, और ये जो पोएम है एक मेटाफेरिकल है बेटा, यानी कि इसमें एक कंप्लीट पोएम जो है एक मेटाफेरिकल फॉर्म में लिखी हुई है. इसके अंदर जो द रोड नॉट टेकन जो टाइटल चूज़ किया इट्सेल्फ, ये खुद भी मेटाफर का ही एग्जांपल है. इन क्योंकि दोनों जो दो रोड जिसकी बात की जा रही है, इनफैक्ट वो रोड की बात नहीं कर रहा, वो किसी चॉइस की बात कर रहा है लाइफ के अंदर जो होती हैं, किसी के प्रोफेशन की हो सकती हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है. तो ये मेटाफर की एग्जांपल है. अगर आपसे कोई इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करे, देन यू कैन से दिस पोएम इज़ ए दिस पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, एंड बिकॉज इसका रीज़न आपके पास है ही, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. चलो स्टार्ट करते हैं अभी. This well-known poem is about making choices. As I said before, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये poem जो है वो किसके बारे में है, About making
चॉइसेस, लाइफ में चॉइसेस जो होती हैं उनके बारे में, वो कैसे की जाती हैं उनके बारे में ये पोएम है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस, वो डिसीजंस जो हमारी लाइफ को, हमारे किसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइफ के पार्ट को शेप देती हैं, उसको डिसाइड करती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली, एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, ही इज फेमस फॉर राइटिंग अबाउट कंट्री साइड, वी कैन से, और या फिर हम ये कहें कि रूरल एरिया में जो कॉमन पीपल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में लिखने के लिए, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, उस चीज़ के लिए फेमस हुआ. बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन, इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और लेकिन सिंपली लिखा गया. लेकिन आपने देखा होगा कि इस राइटर की जो पोएम्स वगैरह मिलेंगी आपको, वो इस पोएट की जो पोएम्स हैं उन सब के अंदर आपको, चाहे पोएम का के अंदर वर्डिंग बहुत कम हो, इन लेस वर्ड्स ही डिस्क्राइब्स डीप मीनिंग्स, आप ये पाएंगे वहाँ पे. तो इसी कारण से यहाँ पे इन चीज़ों को उसने, यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, द पोएट सेज, कहते हैं कि टू रोड्स, दो रोड थे विच वर डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, जो कि डाइवर्ज हो रखे थे. डाइवर्ज मीन्स सेपरेटेड, फॉर्क, FORKED करके वर्ड यूज कर सकते हो, जिसके अंदर कोई भी एक जो चीज़ होती है, कोई वन ऑब्जेक्ट डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, तो वहाँ पे उस पॉइंट को हम कहते हैं फॉर्क्ड या सेपरेटेड. तो कहते हैं दो रोड थे विच, क्योंकि पहले वो रोड दो नहीं थे, एक था, अब वो किसी पॉइंट पे गया जहाँ पे वो एक रोड जो था, इट वॉज डाइवर्ज्ड इन टू रोड्स, जो कि दो में कन्वर्ट हो गया. एंड वेयर इट वॉज, वो कहाँ पे, वो स्पॉट कहाँ पे था, इट वॉज इन ए येलो वुड. येलो का मतलब तो आप समझ रहे हैं, येलो कलर होगा. वुड का मतलब, वुड का मतलब कोई भी लकड़ी नहीं है, इट मीन्स येलो फॉरेस्ट. येलो क्यों कहा, क्योंकि इट वॉज अबाउट ऑटम सीजन, क्योंकि पतझड़ का मौसम होगा, और इस कारण से वहाँ पे हर पेड़ का जो कलर है, क्योंकि उसके लीव्स जो हैं दे आर टर्नड टू येलो कलर, सो दैट वॉज द रीज़न ही सेज येलो वुड. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड नाउ द पोएट फील्स अ बिट सैड अबाउट दैट, वो काफ़ी परेशान से या दुखी होता है इस बात को लेकर, कि क्या कहते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि माफ़ करना क्योंकि मैं अकेला, एंड बिकॉज आई वॉज वन ट्रैवलर, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता था. और इन अदर वर्ड्स, इफ़ वी कंपेयर दीज टू वर्ड्स विद द करियर्स और द प्रोफेशंस ऑफ समवन्स लाइफ, वी कैन से ए पर्सन कैन बिकम वन थिंग, सपोज डॉक्टर, टीचर, एनीथिंग, वो केवल एक ही चीज़ बन सकता है अपनी लाइफ के अंदर. ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर भी बन गया, एक डॉक्टर भी बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो सेम केस यहाँ पे भी है, वो कहता है कि बिकॉज आई वॉज, आई एम अ वन ट्रैवलर, सो आई कैन ट्रैवल ओनली वन रोड ऑफ द आउट ऑफ देम. ठीक है. लॉन्ग आई स्टूड, वो कहता है कि व्हेन आई रीच दैट स्पॉट, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, आई स्टूड देयर, मैं वहाँ पे खड़ा रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जब मैं काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, एंड द रीज़न वॉज वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वी कैन से बिकॉज ही वॉज डिसाइडिंग टू मेक अ डिसीजन विच साइड, विच रॉड ही शुड चूज, उसे कौन सा रॉड जो है वो चूज करना चाहिए फॉर द डिसीजन, और टू डिसाइड दैट थिंग ही हैड टू stand there for a long time at that spot and look down. And what he does then, वहाँ पर करता क्या है फिर वो, and looked down, मैंने नीचे की तरफ देखा, towards the rods, one of them, उनमें से किसी एक रोड को मैंने देखा, as far as I could, जहाँ तक मैं देख सकता था, to here, and he says, क्योंकि मैं जहाँ तक देख सकता था, तो जहाँ तक मतलब कहाँ तक देख सकता था, या तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो रोड जो था वो आगे चलकर वो कहीं पे एक तरह से टर्न हो गया था, बेंड हो गया था, तो आई कुड सी ओनली अप टू दैट स्पॉट, मैं वहाँ तक देख सका. और कहाँ पे बेंड हुआ, वो कहता है इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब है दोज प्लांट्स हु
विच कैन नॉट सो हाई, ज़्यादा जिनकी हाइट नहीं हो सकती, ऐसे प्लांट को हम कह सकते हैं कि अंडरग्रोथ। तो ऐसे बुशेस वगैरह, झाड़ी वगैरह होंगी वहाँ पे, छोटी हाइट के पौधे थे, एंड उनके उस जगह पे जहाँ पे ये पौधे थे, उसी जगह पे ये रोड जो था वो टर्न कर गया, बैंड कर गया। और मैं, क्योंकि बैंड या कहीं पे भी अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो आप स्ट्रेट लाइन तो देख सकते हो, लेकिन अगर उसमें कोई बीच में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया और उसके वहाँ से जाने के उस ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई चीज़ टर्न कर गई तो आप उससे आगे का देख नहीं पाओगे। सो द सेम सिचुएशन इज़ गिवन हेयर। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट विच द पॉइंट वॉन्ट टू से, है ना, ईजी है। देन टुक द अदर, अब फर्स्ट रोड जो था उसने इस तरह से देखा, जहाँ तक दिखाई दे रहा था वहाँ तक देखा। बेटा अगर इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा और समझें, मे बी पोइट क्या कहना चाह रहा होगा, जस्ट केवल किसी एक रोड के बारे में ऐसे डिस्क्राइब करना, ये कोई मैं नहीं मानता कि जस्ट उसके लिए उसने, पोइट ने ये पोइम लिखी होगी। वो यहाँ पे भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। एवरी वन इन हिज और हर लाइफ, हर आदमी जो है वो ट्राई करता है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले कि उसके अच्छे बुरे, जहाँ तक कि वो देख सकता है, समझ सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट ही और शी डिसाइड्स वट टू डू इन दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे भी जो पोएट है उसने पहले एक रोड को अच्छे से उसके इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में जो कुछ भी वो जान सकता था उसने उसको जानने की कोशिश की, एंड देन उसके बाद टुक द अदर, उसके बाद वो कहते हैं कि देन टुक द अदर, मैंने फिर दूसरे रोड को देखना शुरू किया, एंड इट वॉज जस्ट एज फेयर, और वो भी उसी के जैसे ही सुंदर था, एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और शायद वैसे तो देखने में वो भी सुंदर लग रहा था, बट हैविंग परहैप्स, शायद ये जो था बेटर क्लेम वहाँ पे कर रहा था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा लगा चूज़ करने के ऑप्शन में देखा जाए तो। बिकॉज द रीज़न वॉज दैट इट वॉज़ ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी था एंड वॉन्टेड वेयर, और ये क्या चाहता था कि उसी को चूज़ किया जाए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और कहते हैं कि वांटेड वेयर का मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, इसका मतलब कह सकते हैं कि इट वाज ए लुकिंग लेस वर्न आउट, ये कम घिसा हुआ दिख रहा था, और इसके ऊपर और चला जाए ऐसा वहाँ पे शो कर रहा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगर वहाँ पे चलने के बारे में, यहाँ से गुजरने के बारे में बात की जाए कि कितने लोग यहाँ से गए होंगे, तो उस बारे में अगर डिस्कस किया जाए, सोचा जाए, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो दोनों ही रोड जो थे, हैड वॉर्न, वॉर्न का मतलब किसी चीज़ का घिस जाना होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ड्यू टू वॉकिंग बोथ हैड इक्वली वर्न आउट, दोनों ही चलने के कारण से बराबर घिस चुके थे, उन पे इफेक्ट, उन उस पे इम्पैक्ट जो था वो नज़र आ रहा था। देम रियली अबाउट द सेम, इस मैटर में दोनों एक जैसे दिखे, यानी कि दोनों रोड वैसे एक जैसे दिख रहे थे, चलने के बारे में देखे तो एक जैसे थे, दिखने के अंदर ये तो उससे थोड़ा और सुंदर दिख रहा था, और अच्छा लग रहा था, और इस पे और चला जाए ऐसा ये वहाँ पे क्लेम कर रहा था। दिस सेकेंड रोड, दूसरे रोड की बात की। ओके, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड द पॉइंट सेज बोथ ऑफ द रोड्स, दोनों ही जो रोड थे दे ले लेड इक्वली, वो एक जैसे वहाँ पे दिख रहे थे उस सुबह के टाइम पे। इन लीव्स, इन लीव्स पत्तों के अंदर, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एंड द पॉइंट कुड नॉट सी एनी ट्रॉडन। ट्रॉडन का मतलब क्या होता है, ट्रॉडन मीन्स जो कोई भी कोई लीव है उसके उसको कुचल दिया गया हो, ट्रेड कर दिया गया हो, ट्रेड की ट्रॉडन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे, किसी चीज पत्ते को कुचल कर ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन लीव्स पत्तों के अंदर नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, किसी भी पैर ने किसी लीव को कुचल कर ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं किया था। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एंड देन द पॉइंट सेज ओह एंड देन उसके बाद आई कैप्ट, मैंने रख लिया द फर्स्ट वन, पहले वाले रोड को, फॉर अनदर डे। इट मीन्स ही डिसाइडेड दैट ही वुड ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड ऑन सम अदर डे, किसी और दिन वो चलेगा, उसने ऐसा सोचा, एंड ही डिड नॉट चूज द फर्स्ट वन, उसने पहले वाले को अभी इस टाइम पे चलने के लिए सेलेक्ट नहीं किया। येट नोविंग हाउ वेज लीड ऑन लीड्स ऑन टू वे,
ये तक जानते हुए, येट नोविंग ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स किस तरीके से ये जो रास्ता है लीड्स ऑन टू वे, कि ये कहाँ ले जाकर कहाँ ले जाएगा, इस बात को जानते हुए भी मैंने पहले वाले को छोड़कर, यानी कि पहले वाले को किसी और दिन के लिए रख लिया, एंड आई डाउटेड, और मुझे क्योंकि इस बात पे डाउट भी था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी इसी स्पॉट पे अपनी लाइफ में वापस आ पाऊँगा, और क्या मैं उसी फर्स्ट वाले को जिसको मैंने अभी किसी और दिन के लिए रख लिया, क्या मैं उस पर चल पाऊँगा, ये जानते हुए भी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा वहाँ पे किया. आई शैल बी टेलिंग दिस विद एस आई, वो कहता है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं इस बात को कह रहा हूँ. दिस स्टेंजा या दिस लाइन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द फ्यूचर थिंग, उसके पोएट की जो भविष्य की कोई चीज़ें जो होने वाली हैं उनके बारे में वो अब यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट करता हुआ सा बोल रहा है कि ऐसा शायद होगा. आई शैल बी टेलिंग, मैं कह रहा हूँ बता रहा हूँ दिस इस बात को विद एस आई, एक किसके साथ में, एक इधर विद रिलीफ, या तो एक किसी एक ऐसी फीलिंग के साथ में जिसके अंदर कोई आदमी काफ़ी रिलीफ फील करे, भाई बहुत अच्छा रहा, या फिर और वी कैन से विद रिग्रेट, या फिर कोई पश्चाताप की सेंस के साथ में कि यार गलत हुआ ये तो, और बड़े ही इस तरह की फीलिंग के साथ में वो मैं इस बात को किसी और से आगे भविष्य में कह रहा हूँ दैट समवेयर, कि कभी किसी जगह पे एजेस एंड एजेस, बहुत समय पहले, इज इट एन एज मीन्स क्या कहेंगे, बिफोर ए लॉन्ग टाइम, हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड, कि इस तरीके से दो रोड जो थे वो डिवाइड हो गए इन ए वुड, एक जंगल के अंदर, एंड आई और मैंने, एंड देन वो आगे डैश जो है वो उसने लगा दी, इसका मतलब हुआ कि एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर एक्सप्लेन्ड इन दिस पोएम इन द अबाउ गिवन स्ट्रेंजर्स, वही सब बातें मैं फिर किसी से बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा था, ऐसे रोड थे, ऐसे लगे, और मैंने किसी एक ऐसे को चूज़ किया. आई टुक द वन एंड द पॉइंट सेज, कि मैं किसी से बता रहा हूँ दैट आई टुक द वन, मैंने उस द वन मीन्स मैंने उस एक रास्ते को चूज़ किया विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई, जिसके ऊपर बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ही ये सारा डिफरेंस कर दिया, क्रिएट कर दिया. मे बी इट इज़ इन द इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम, ये हो सकता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये उसके लिए कुछ भी हार्मफुल भी रहा हो, नुकसानदायक रहा हो. तो यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि वो उसकी चॉइस जो है वो कैसी रहने वाली है इसके बारे में, क्योंकि चॉइस करते टाइम पे कोई भी जो पर्सन है, कोई भी आदमी जो है, इस इसका आइडिया नहीं लगा सकता कि जब एक डिफ़िकल्ट चॉइस होती है उस टाइम पे कि क्या रहेगा, है ना. तो सेम यहाँ पे भी है, वो कहता है कि मैं बेनिफिशियल, या उसके लिए अगर वो अच्छी रही, राइट चॉइस रहेगी, तब भी कुछ कह रहा है इस तरीके से बोलेगा कि इसी ने ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि देखो अगर वो चूज़ करता इतना फ़ायदा नहीं होता, और अगर वहाँ पे लॉस हो गया तो फिर भी ये कहेगा कि इसी ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया क्योंकि मैं इसको भी चूज़ कर सकता था. सो दिस इज़ ऑल इन दिस पोएम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब, और वी आर going to take a look of the literary devices which are used in this poem. First one, बेटा points को या इनको note करते जाएँ साथ साथ जो भी मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या है. देखो पहले हमने बोला था कि जो पूरी poem है ये एक metaphor का एक example है, तो आप वहाँ पर metaphor ही use करो, and you can write complete poem is metaphorical, ठीक है, is metaphorically written, we can say, दोनों में से कुछ भी लिखें. और अगर कोई कहीं पे लॉजिक देना हो, डिस्क्राइब करना हो, देन यू कैन से बिकॉज द टू रोड्स आर सिंबलाइज्ड, उनके रोड जो है उनको रिप्लेस किया हुआ है, इनकी जगह पे कुछ और होना चाहिए था, कुछ और वहाँ पे बताना चाह रहा है पॉइंट. नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आप देखोगे टू रोड्स आर डाइवर्स इन येलो वुड, तो यहाँ पे ओ जो है ओ तो आप देखोगे इसमें इनका एक तरह से वो जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, और इसके कारण से आप यहाँ पे कहोगे एसोनेंस का यूज़ हुआ है. क्या लिखेंगे, एसोनेंस का यूज, एसोनेंस की स्पेलिंग होती है ASONANCE,
कहाँ होता है? व्हेनेवर, जब कभी भी आप ये देखिए, एलिट्रेशन जो है उसी का एक पार्ट होता है। एलिट्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या होगा, एलिट्रेशन जो है उसमें कॉन्सनेंट साउंड हो या फिर वोवल साउंड हो, लेकिन वर्ड की बिगिनिंग के अंदर अगर कोई साउंड सेम है और वो रिपीट हो रहा है उसी एक एक ही लाइन में या कंसेक्यूटिवली कहीं पर भी आस पास नज़दीक नज़दीक, इन दैट केस वी कैन से दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। लेकिन अगर वहाँ पे अगर वो वर्ड की बिगिनिंग में नहीं है तो उस केस में हम उसको बोल फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब वो एक होता है एसोनेंस, एक होता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस का मतलब हो गया कि अगर वहाँ पे वोवल साउंड रिपीट हुआ लेकिन वो वर्ड की बिगिनिंग में ना हो, बीच में। जैसे हम लोग यहाँ पे ओ के लिए बात कर रहे हैं, रोड, येलो, ओ ओ का साउंड है, रोड के अंदर ओ है और येलो के अंदर भी वर्ड ओ है। वुड को नहीं कह सकते, सॉरी के अंदर सॉरी के अंदर ओ आ गया, बोथ के अंदर ओ आ गया, तो इस तरीके से लॉन्ग के अंदर ओ आ गया, तो काफ़ी यहाँ पे इस तरह का रेपिटेशन किया रेपिटेशन आपको नज़र आएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। ओ जो है वोवल है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर कॉन्सोनेंस तब कहेंगे जब वहाँ पे कोई भी कंसनेंट साउंड जो है वो या लेटर जो है वो वहाँ पे यूज, उस साउंड का यहाँ पे रेपिटेशन आपको नज़र आए, वो भी वर्ड के बीच में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, उसके बाद देखते हैं कि इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई है। इमेजरी का मतलब एक इमेज आपके माइंड में वर्ड्स के थ्रू क्रिएट की जाए, अगर आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखो, व्हेन यू रीड द फर्स्ट लाइन, टू रीड्स टू रॉड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, अब आपके माइंड में एक इमेज आएगी कि एक कोई भी जंगल है, कोई भी फॉरेस्ट है और उसके अंदर एक रोड जो है दो पार्ट्स में डाइवर्ज हो रहा है, तो वो पेड़ खड़े हुए एक सीन सा नज़र आएगा आपको। तो सो वी कैन से दिस टाइप सिचुएशन जो ये जहाँ पे बनी है ये एक इमेजरी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है यहाँ पे इमेजरी की स्पेलिंग है, इमेज लिखे आप पहले आर वाई अटैच कर दें लास्ट में, इमेजरी। उसके बाद है एनाफ्रा। एनाफ्रा कैसे हो गया, यहाँ पे देखो एनाफ्रा की सिचुएशन होती है कि अगर किसी भी लाइन के बिगिनिंग में, व्हेन टू और मोर देन टू लाइन्स बिगिन विद सेम वर्ड्स, वर्ड और वर्ड्स एक शब्द हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं से ही उनकी बिगिनिंग हो रही हो, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो कम से कम होनी चाहिए, एटलीस्ट टू लाइन्स। तो यहाँ पे एंड देखो, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, तो तीन लाइन जो है कंसेक्यूटिवली वो आप यहाँ पे देखोगे कि किससे शुरू हो रही है, सेम एंड वर्ड से हो रही है। सो वी विल से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एनाफ्रा के एग्जाम्पल है ये। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक डिलेमा का यूज़ किया गया है। डिलेमा क्या होती है, DILEMA करके वर्ड होता है एक। डिलेमा मीन्स वेन एवर अ पर्सन मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस, एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उसको एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट चॉइस जो है वो वहाँ पे करनी पड़ती है, और एक दो या दो अल्टरनेटिव्स, दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स जहाँ पे हों उनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े, तो वहाँ पे एक डिलेमा उसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो सिचुएशन बनी हुई है, कैसे देखो, एंड लुक डाउन वन, और क्योंकि अब यहाँ पे वो एक तरह से चॉइस कर रहा है इस इन दो लाइंस के अंदर, इन दो लाइंस के अंदर वो चॉइस कर रहा है कि लुक, वो दोनों एक रोड को देखता है कहाँ तक देख रहा है कि यार ये चूज़ करें कि ना करें, तो ये सिचुएशन जिस तरह की जो बनी हुई है ये डिलेमा को वहाँ पे शो करेगा। देन टू द अदर, अब अगले वाले लाइन में देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। अब आ जाओ, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, अब इसके अंदर क्या था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, यहाँ पे इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया हुआ है। किसका यूज़ किया, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, वांटेड वीर, भैया कोई क्लेम कैसे करेगा, वांटेड वीर, वो चाहता था कि उसको चूज़ किया जाए, उसके ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो एक रोड है उसमें कोई फीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन करोगे, उसके सामने लिख दो पर्सोनिफिकेशन, एंड इफ़ समवन आस्क यू, इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब यू कैन गिव द रीज़न दैट एनी अनएनिमेट थिंग जो कि लिविंग थिंग नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो है वो अपनी चॉइस या अपनी खुद की फीलिंग्स वहाँ पे शो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे रोड के को करवाया गया, ऐसा शो किया गया। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे तो उसके बाद है बाकी I doubted if I should ever come back.
शैल बी टेलिंग दिस, कोई ज़्यादा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है बेटा। यही इसके मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है इसके पोएटिक डिवाइसेस थे, वो हमने वो डिस्कस कर लिए। और उसके बाद इसके अंदर जो राइम स्कीम है, अगर आप वो चेक करना चाहो तो एक बार चेक कर लो साथ के साथ। देखो वर्ड, देखो राइम स्कीम में वर्ड ए बी, बिकॉज वुड स्टोर्ड एंड कोड, दिस थ्री वर्ड्स आर राइमिंग, सो वी कैन से ये यहाँ पे ए वहाँ पे लेट करोगे आप, इसको यूज़ करोगे इसके लिए। एंड बॉथ एंड ग्रोथ, ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं, तो ए बी ए बी करके आपकी ये राइम स्कीम हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है, एंड आई होप माई दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड आप अपने किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, यू कैन कमेंट फॉर दैट, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ वेरी मच। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, एंड आई होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।